स्टूडेंट्स, आज मैं बात करूंगा स्पेंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी रोम के अंदर है, इसलिए आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इस यूनिवर्सिटी की QS रैंकिंग की बात कर लें तो ये वर्ल्ड के अंदर 134 के ऊपर आती है। इस तरह ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप की यूनिवर्सिटी कंसिडर की जाती है। आइए अब चलते हैं कि इसके अंदर कोर्सेज कौन कौन से ये करवा रहे हैं। कोर्सेज के अंदर अगर हम चले जाएं तो इनकी प्री वैल्यूएशन के लिए सबसे पहले आपको कोर्स अपने आप सेलेक्ट करना है। और कोर्सेज ये कौन से ऑफर करवा रहे हैं ये देखें, मैं आपको इसकी साइड से दिखा देता हूँ। जैसे देखें, बैचलर लेवल के ऊपर ये 3, 4, 5 कोर्सेज करवा रहे हैं और इनके अंदर आपको टॉक का टेस्ट यहाँ पे लाजमी है। अगर आप वो करेंगे तो फिर आपको इनके अंदर एडमिशन मिलेगा। और इंग्लिश और जो मास्टर प्रोग्राम है, इसके अंदर आप प्री वैल्यूएशन की बेस पे यहाँ पे मास्टर में एडमिशन ले सकते हैं। और हर प्रोग्राम की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट उनके और इनके आइलेट्स की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है। कईयों के अंदर आइलेट्स आपको चाहिए, कई प्रोग्राम्स में आइलेट्स आपको नहीं चाहिए। और GPA वगैरह की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है। जैसे हम यहाँ पे आ जाएँ MS बिजनेस मैनेजमेंट, तो यहाँ पे देख लें जो उन्होंने GPA रखा हुआ है 90% रखा हुआ है आउट ऑफ 100, और उन्होंने आइलेट्स भी मांगा हुआ है 6.5। लेकिन अगर हम नीचे आ जाएँ, नीचे आने के बाद देखें MS केमिकल इंजीनियरिंग है, इसके अंदर उन्होंने 75 आउट ऑफ 100 और आइलेट्स जो है 5.5 मांगा हुआ है। इस तरह इनके जो डिफरेंट कोर्सेज हैं उनके अंदर डिफरेंट इन्होंने GPA रखा हुआ है और डिफरेंट इनके आइलेट्स की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी कईयों के अंदर वेरी कर रही है। और कई के अंदर आइलेट्स मांग रहे हैं, कईयों के अंदर ये आइलेट्स नहीं मांग रहे। उसके अंदर आपको वराइटीज़ ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगी मास्टर के अंदर। अभी हम चलते हैं, आपने इसमें एडमिशन कैसे लेना है। एडमिशन लेने के लिए आपने इसकी मेन साइट पे आ गए, एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर जाके आपने यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है प्री सिलेक्शन एप्लीकेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह करके आपका फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो उसके बाद आपने वन बाय वन करके यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करना है। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना प्रोग्राम को चूज़ कर लें। प्रोग्राम को चूज़ करने के बाद आप अपनी सारी यहाँ पे इस तरह करके डिटेल लिखें, अपना प्रोग्राम चूज़ करें, उसके बाद इस तरह करके इसको सेव कर लें। फिर उसके बाद पर्सनल डिटेल पे आ जाएं। पर्सनल डिटेल में भी आपने सारा इस तरह सेलेक्ट इसको करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सारा कुछ, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट करके। फिर लैंग्वेज के ऊपर, लैंग्वेज जो है वो आपने B2 कर दें। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन में आपने इंटरमीडिएट पहले रखना है, फिर बाद में आपने बैचलर का सारा यहाँ पे मेंशन करना है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अगर तो आपके पास है तो फिर आप लगा दें, वरना नहीं है तो आप इसको नो कर दें। अगर लगाना है तो फिर आपको यहाँ पे जो स्टार बने आपको लाजमी फिल करना पड़ेगा कि आपका एक्सपीरियंस मोर देन 2 ईयर है। उसके बाद आपको सिलेक्शन कंट्री और डिस्क्रिप्शन में भी लिखना पड़ेगा किस तरह की आपकी ड्यूटीज़ थी। उसके बाद मोटिवेशन लेटर, मोटिवेशन लेटर जो आपका 200 से 250 तक होना चाहिए। वैसे भी मोटिवेशन लेटर जो है इतना लंबा नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो है रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन आपने 1 लानी है, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। अगर आप ना भी लगाएं तो इतना उसका काम चलेगा। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, ये लाजमी है। इसके बगैर उन्होंने आपकी प्री वैल्यूएशन नहीं करनी। यहाँ से आप जाके उसको यहाँ से क्लिक करें तो इस तरह करके एक पेज पेज ओपन होगा। उस पेज को आपने सारी चीज़ें ऊपर आपने यहाँ पे डाल के उसके उसको फिल करके फिर इसको आपने यहाँ से इसका सेव कर लें। सेव करने के बाद यहाँ ला के फिर आपने इसको अपलोड कर लें। अपलोड करने के बाद यहाँ पे फाइनल सबमिशन है, यहाँ पे जाएं। यहाँ पे जाने के बाद सिंपली आप यहाँ से यस 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 सारे करके और इसको सबमिट कर दें। ये इसका एक तरीका है, बड़ा आसान सा तरीका है। बाकी अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।